ही टेस्टी पकौड़ियाँ, और ये पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी है और सुपर लाइट है। तो आइए सीखते हैं ये अपनी बहुत ही टेस्टी करारी पकौड़ियाँ बनाना। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं अपने मूंग दाल के बहुत ही करारे और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनाना। तो इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ली थी, इसे मैंने साफ धुल के 6 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था, और उसके बाद मैंने इसे छान लिया है, खूब साफ धुल लिया है एक बार और छान के ये देखिए रख लिया है। तो अब एक ग्राइंडर जार लेंगे हम और इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो एक ग्राइंडर जार में हम सारी ये जो भीगी हुई मूंग दाल है ये लेके डाल देंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च लेंगे और 1 चुटकी हींग लेंगे, और इन सबको बहुत ही थोड़ा सा पानी हमें डाल के इसको पीसना है, और इसको हमें दरदरा पीसना है, एकदम बारीक ना करें, दरदरा रहेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चम्मच से चला चला के आप इसे अच्छे से दरदरा पीस लें। ये देखिए मूंग दाल पीस के तैयार है, और इसे मैंने दरदरा ही पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसा है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले इसमें बहुत ही कम लगते हैं। पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार लेना है। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर लेंगे और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का यूज़ किया था, तो अगर आपको तीखा कम पसंद है तो इसमें आप लाल मिर्च ना यूज़ करें। तो पहले हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड किया है। अब हम इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये मूंग दाल को काफ़ी पाचक बना देती है। पाचक बनाने के लिए मैंने इसमें हींग भी यूज़ किया है। तो जब भी आप दाल की कोई चीज़ें बनाएं तो आप उसमें हींग और ये जीरे का यूज़ करने से क्या होता है कि वो काफ़ी पाचक बन जाता है और स्वाद तो बढ़ ही जाता है। और एक इसमें हम प्याज लेंगे बारीक कटी हुई, वो ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से मिक्स करें और चला लें इसको अच्छे से, कि जिससे हमारी जो पकौड़ियाँ हैं खूब अच्छे से फूलें। तो एक बार खूब अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट मिला लें सारे इंग्रेडिएंट्स। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो एक बार पकौड़ियाँ बनाने से पहले हम इसको फिर से अच्छे से फेंट लेंगे, और गैस पे मैंने ऑलरेडी ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसको हाथ से डालूंगी पकौड़ियाँ, आप चाहें तो इसको स्पून से भी डाल सकते हैं। तो एक एक करके आप इसको ऐड करें, और जब आप पकौड़ियाँ डालें तो फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और उसके बाद आप फ्लेम मीडियम कर दें कि जिससे ये पकौड़ियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाएं। अब शुरुआत में हमें इसे टर्न नहीं करना है, जब ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगे तो उसके बाद हम किसी स्पून से या फोक से इसको टर्न करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, तो अब मैं फोक से इसको पलटूंगी। ये देखिए ये अच्छे से पक रही हैं पकौड़ियाँ। तो अब हम इसे किसी भी इससे भी हम पलट सकते हैं, क्योंकि अब ये अच्छी हो गई हैं, अब ये बिखरेंगी नहीं। तो दोनों साइड से आप इसे अच्छे से पका लें गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए कितनी अच्छी करारी पकौड़ियाँ हमारी तल के तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिस पे ऑलरेडी मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है। सो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मूंग दाल की पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूला करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बाय।